गाजियाबाद के इंदिरापुरम से 3 करोड़ की नई करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने 3 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी है। एक्सिस बैंक का बताया जा रहा है, एक्सिस बैंक का ये पैसा है। 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव के मद्देनजर लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पैसे बरामद हो रहे हैं। पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ इंदिरापुरम में गाजियाबाद पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। इंदिरापुरम में 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि 3 करोड़ नई करेंसी है। पुलिस ने 3 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी है। इंदिरापुरम गाजियाबाद का एक पॉश इलाका। जुबैर अख्तर न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। जुबैर, किसके पास से ये बरामदगी हुई है? जी देखिए, दिल्ली से सटे यूपी गेट से ये 3 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। ये 3 करोड़ रुपया एक गाड़ी में लेकर लोग आ रहे थे। 3 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। ये लोग अपने आप को बता रहे हैं कि बैंक के कर्मचारी हैं, लेकिन फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि इस गाड़ी पर कहीं भी बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ था, और ये सारी करेंसी नए नोटों में है। 2-2 हजार के और 500 के नोट, कुल 3 करोड़ रुपया पुलिस ने बरामद किया है। जी, 3 करोड़ रुपए नई करेंसी में बरामद हुए हैं। एक्सिस बैंक का नाम आ रहा है इस पूरी बरामदगी में। जी, जैसा वो हिरासत में लिए गए लोग बता रहे हैं कि एक्सिस बैंक का पैसा था, लेकिन फिलहाल इस गाड़ी पर कोई भी इस तरह का स्टिकर वगैरह नहीं लगा हुआ है, ना ही वो कोई दस्तावेज दिखा पाए हैं। पर इनकम टैक्स को भी पुलिस ने बुला लिया है। फिलहाल छानबीन की जा रही है कि 3 करोड़ रुपया आखिर कहाँ जा रहा था। जी जुबैर, आप बने रहे हमारे साथ। 3 करोड़ की नई करेंसी की बरामदगी के अलावा गाजियाबाद